सर्दियों के मौसम में कुछ गर्मा गर्म खाने के लिए मिल जाए तो मूड ही बदल जाता है। तो चलिए आज हम लोग बेसन से कुछ कुछ ऐसी ही एक डिश बनाएंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो माई पेज, एंड अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बेसन ले लेंगे, फिर उसमें ये थोड़ा सा बेकिंग सोडा, हल्दी, मिर्च पाउडर और थोड़ा सा लहसुन और स्वाद अनुसार नमक लेके उसको अच्छे से एक पतला पेस्ट जैसा तैयार कर लेंगे। अब आप लोग ही बताइए कि मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ। एनी गेसेस? चलिए ठीक है, अगर गेसेस नहीं है तो मैं बताती हूँ। आज मैं आलू चाप बनाने जा रही हूँ, जो कि हम लोग के बिहार में बहुत ही फेमस एक डिश है। तो इसके लिए ये हम लोग क्या किए थे कि आलू का ना चोखा बचा हुआ था, तो उसी चोखा को राउंड राउंड शेप में करके और बेसन का घोल बना के और फिर इसके बाद उसका चाप बनाएंगे। ऐसे ये जो डिश है ये हम लोग शाम के समय में भी खा सकते हैं, ये इवनिंग स्नैक्स में और मॉर्निंग स्नैक्स में भी खा सकते हैं। ये मतलब हेल्दी तो नहीं हुआ क्योंकि ये तला हुआ है, लेकिन फिर भी एज अ ब्रेकफास्ट ये बहुत अच्छा और क्विक रेसिपी है। तो आप देख सकते हैं मेरा आलू का टिक्की बना हुआ था पहले से, तो बस मैंने उसे बेसन के घोल में लपेटा और फिर इसे ऐसे डाल दिया तेल में, और ये खाने में इतना करारा और इतना अच्छा लग रहा था। अगर आपको और ज़्यादा करारा इसमें करना है तो आप इसको ये कॉर्नफ्लोर या फिर ये एक डस्ट, ये सूजी से इसको कोटिंग भी कर सकते हैं जिससे ये और ज़्यादा क्रंची हो जाएगा। उससे करने के बाद आप बेसन में इसको लपेट के फिर आप इसे तल सकते हैं। आलू चाप पे हम लोग के यहाँ ये जो लोकल ये हलवाई ये सब होते हैं वो सब भी रखते हैं, उन लोग का तो एक अलग ही टेस्ट है, लेकिन घर पे जो मिल जाए वो तो ज़्यादा ही हेल्दी होता है। तो बस मैंने इवनिंग के स्नैक्स में इसे बनाया था, और कुछ गेस्ट भी आए थे तो उन्हें ये जो डिश है आलू चाप वो बहुत ही पसंद है, क्योंकि आलू तो ऑलमोस्ट लोग का फेवरेट होता ही है, और अगर आलू की ही कोई ऐसी डिश मिल जाए तब तो सब कोई और खुश हो जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आप लोग देखते तो पर लाइक नहीं करते, पर ऐसा नहीं कीजिए मेरे साथ, ठीक है? थैंक यू।